हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी काफी टाइम से हरियाणा के मुख्य मकबरे, मजार व मस्जिद के बारे में डिस्कशन लेने की, आज इनको करेंगे दोस्तों एक फनी सी ट्रिक के साथ जो काफी मजेदार रहेगी और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा लेंगे सेल्फ टेस्ट, जो आपको पता लगे कि आपको ये याद हुई भी है नहीं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला है दोस्तों महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के अंदर जो संत हमजा पीर की दरगाह है, शाह विलायत का मकबरा है, शाह कुली खान का मकबरा भी है, इब्राहिम खान का मकबरा है। तो ये दोस्तों कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। याद कैसे करेंगे कि महेंद्र बहुत मजे लेता है दोस्तों। हमजा में मजा पढ़ेंगे, विलायत में कलायत पढ़ेंगे, कुली को कुली पढ़ेंगे, इब्राहिम को बहम पढ़ेंगे। तो दोस्तों महेंद्र जो है वो बहुत मजा लेता है दोस्तों, ठीक है। कलायत का कुली साथ में रखता है अपना, एक दोस्तों क्या रखता है, कलायत का कुली साथ में रखता है, और उस कुली का क्या नाम दोस्तों, इब्राहिम नाम है। उस कुली का नाम क्या है दोस्तों, इब्राहिम नाम है। इस ट्रिक के साथ कवर करेंगे कि महेंद्र जो है वो बहुत मजा लेता है दोस्तों, बहुत मजे लेता है, कलायत का कुली अपने साथ रखता है, और उस कुली का क्या नाम है, इब्राहिम नाम है। चलिए अगला है हमारा, अगला दोस्तों करनाल। और करनाल की अगर मैं बात करूं तो पांच पीरों की मजार वहां है, अली शाह कलंदर मजार वहां है, बहादुर खां की मजार वहां है, इलाही बख्श की मजार वहां है, और कैसरमल बोरी की मजार भी वहीं है। याद कैसे करेंगे दोस्तों, करण और कर्ण के पांच पुत्र है दोस्तों। कौन है? करण। और कर्ण के कितने पुत्र है? पांच पुत्र है, और पांचों के पांचों मस्त कलंदर है दोस्तों। कलंदर के कलंदर ही उठा रहे हैं, मस्त कलंदर है, और मस्त कलंदर के साथ बहादुर भी है दोस्तों। क्या है? बहादुर है, और अपने साथ क्या रखते हैं, एक बक्सा रखते हैं दोस्तों, ठीक है, हमेशा एक बक्सा रखते हैं, और उस बक्से में क्या रखते हैं, शक्कर की बोरी रखते हैं। कैसरमल को शक्कर पड़ेंगे और शक्कर की बोरी रखते हैं दोस्तों, बोरी में बोरी आ जाएगा। तो करण के दोस्तों कितने पुत्र हैं? पांच। और पांचों क्या है? मस्त कलंदर है, बहादुर हैं, और अपने साथ क्या रखते हैं दोस्तों, एक बक्सा रखते हैं, और बक्से के साथ साथ एक शक्कर की बोरी भी उसके अंदर डाल के रखते हैं। मैंने तो देखी थी इस ट्रिक के साथ, इसको कवर करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा पानीपत। और जब कभी समझ में ना आए कि ये मकबरा मस्जिद मजार कहाँ है, तो वो पानीपत लगा देना दोस्तों। बहुत सारे मकबरे और मजार मैंने इसमें कमी लिए हैं। तो सबसे पहले भू अली शाह कलंदर जो है वो पानीपत के अंदर, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन मकबरा वहीं है, होली की दरगाह पानीपत, इब्राहिम लोदी का मकबरा वहीं, सैयद रोशन खां अली शाह दरगाह वहीं, शेख अनाम अल्लाह की मजार भी वहीं। याद कैसे करेंगे दोस्तों, पानीपत के अंदर, कलंदर को पढ़ेंगे पानीपत के अंदर, और पानीपत के पानी के अंदर दोस्तों हमारी एक हसरत सी होती है, हजरत को पढ़ेंगे हसरत। हसरत ये होती है कि होली के दिन इब्राहिम लोदी को नहलाना है, होली के दिन उसको क्या करना है दोस्तों, नहलाना है, उसको रंग लगाना है, इब्राहिम को नहलाना है, और उसका क्या करना है, नाम रोशन करना है दोस्तों। क्या करना है? नाम रोशन करना है, और बाद में वो हमें क्या देंगे, इनाम देंगे दोस्तों। क्या देंगे? इनाम को पढ़ेंगे इनाम। और इनाम किस टाइप का देंगे, हम जब किसी के रंग लगा देते हैं तो बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। तो पानी के अंदर हमारी हसरत होती है कि होली के दिन इब्राहिम लोदी को हम क्या करेंगे, पानी से नहलाएंगे, उस पर पानी फेंकेंगे दोस्तों, और उनका नाम रोशन करेंगे, और बाद में वो हमें क्या देंगे दोस्तों, इनाम देंगे। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कैथल। और कैथल के अंदर दोस्तों तीन ही है, एक तो रजिया बेगम का मकबरा, बाबा साहब कमाल की मजार, और पीर चेतन शाह की मजार, ये तीन ही है, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, केवल रजिया ये कमाल की औरत थी दोस्तों। कौन थी? केवल रजिया ये कमाल की औरत थी दोस्तों, जिसने अल्तोनिया से विवाह किया, और सबकी चेतना जो थी वो गायब होगी दोस्तों, ठीक है, सबका जो चेता था, हम बोलते हैं ना उसका चेता ही गायब हो गया, तो उसको देखते ही सबका चेता ही गायब हो जाता था दोस्तों। एक रजिया ही केवल ऐसी कमाल की औरत थी जिसको देखकर सबका चेता ही, बहुत बहादुर थी। इस ट्रिक के साथ इसको कवर करेंगे, ठीक है। कैथल के ये जो मकबरे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों हमारा रोहतक। और रोहतक के अंदर दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, काजी मस्जिद, कई बार रेवाड़ी के अंदर भी जिक्र आ जाता है लाल मस्जिद का। इसको दोस्तों हम करेंगे रोहतास की बात करेंगे दोस्तों। आज रोहतास जो है वो दिन में ही लाल रहता है दोस्तों, बात करें रोहतास की, और रोहतास जो है वो दिन में ही लाल रहता है दोस्तों, प्राइवेट बात बता रहा हूं आपको, और उससे सब राजी रहते हैं दोस्तों, राजी मतलब खुश रहते हैं उससे। काजी को पढ़ेंगे राजी दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, काजी को राजी पढ़ेंगे। रोहतास जो है दोस्तों दिन में ही लाल रहता है, क्या बताऊं आपको, मैं बहुत बार देख चुका हूं। इस ट्रिक के साथ इसको कवर करेंगे। रोहतास जो है दोस्तों वो क्या रहता है, दिन में ही लाल रहता है, और सब उससे राजी रहते हैं दोस्तों। ये दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, काशी मस्जिद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा
अगला दोस्तों है हमारा हिसार, और हिसार की अगर मैं बात करूं तो मीरा साहिब की मजार वहां है, कुतुब मौलाना की मजार वहां है, बीत ताजरा की मजार वहां है, शेख जुनाद की मजार वहां है, जमालुद्दीन अहमद की मजार भी वहीं है। याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, मीरा का सार कोई नहीं जान सका, सार हिसार से सार उठाएंगे, और मीरा का सार दोस्तों कोई नहीं जान सका। एक दिन उन्होंने एक मॉल से ताज लाने के लिए भेज दिया दोस्तों, ठीक है, एक मॉल से, मॉल में ताज मिलते हैं क्या, लेकिन भेज दिया था दोस्तों, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा कि, और चले कौन गए थे, जुनाद और अहमद चले भी गए थे दोस्तों, ठीक है, किससे, मोल से ताज लाने के लिए। मीरा का सारा रास्ता कोई नहीं जान सका दोस्तों, और वो ताज लेके आए थे, ताज क्या था, लेके आए थे, मैंने तो देखा था, शायद आपने नहीं देखा हो तो इस जाके देख के आए एक दिन टाइम निकाल के। तो मीरा का सार दोस्तों कोई नहीं जान सका, ठीक है, उन्होंने एक बार मोल से ताज लाने के लिए भी भेज दिया था जुनाद और अहमद को, और जुनाद और अहमद बेचारे लेके भी आए थे दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ताज जरूर देखे आए, जुनाद और अहमद से भी मिले कि आप ताज लेके कैसे आए दोस्तों, ठीक है। तो मीरा का सार कोई नहीं जान सका, इस ट्रिक के साथ इसको हम कवर करेंगे। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों भिवानी, और भिवानी के अंदर रंगी शाह मस्जिद और पीर मुबारक शाह दो ही मकबरे मस्जिद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद कैसे करेंगे, जब भवानी सिंह जन्मे थे दोस्तों, जब भवानी सिंह क्या था, जन्मे थे, पैदा हुए थे, तो बहुत रंगारंग प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, आप देखने भी नहीं गए थे, मैं तो गया था, और मैंने दोस्तों मुबारकबाद दी थी वहां जाके, ठीक है, आपने भी दी होगी शायद, याद हो आपको, आपको शायद नहीं है याद, ठीक है। तो भवानी सिंह जब पैदा हुआ था दोस्तों, तो बहुत रंगारंग प्रोग्राम हुआ था और सबने मुबारकबाद दी थी, इस ट्रिक के साथ कवर करेंगे कि जब भवानी सिंह पैदा हुए तो एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ और मुबारकबाद दी थी। अगले दोस्तों फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर दोस्तों दो ही है, कभी नहीं पूछी जाती, वैसे मैंने डाल दी है अगर कभी पूछ भी ले जाए तो, एक तो है दोस्तों मीर शाह की मजार और एक है फतेहाबाद की मजार, तो इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है भी तो फतेहाबाद में नहीं आना दोस्तों, मीर को पढ़ेंगे मार देंगे फतेहाबाद वाले, मार देते हैं, ठीक है, फतेहाबाद में नहीं आना, वैसे तो मैं भी फतेहाबाद का हूं, लेकिन यहां मत आना दोस्तों, आप कभी मार देते हैं, मीर शाह को पढ़ेंगे मार देते हैं, ठीक है, मीर को पढ़ेंगे मार देते हैं, तो फतेहाबाद की मजार और मीर शाह की मजार फतेहाबाद के अंदर। अगला है दोस्तों हमारा सोनीपत, और सोनीपत के अंदर मामा भांजी की दरगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं लाइन बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक बना रहा हूं, एक पेज पे लिख जरूर ले, खिजर ख्वाजा खिजर का मकबरा वहीं है, पीर जमाल की मजार वहीं है, याद कैसे करेंगे, मामा भांजे के पास बहुत सोना है दोस्तों, मामा भांजे के पास क्या है, बहुत सोना है, उनसे दोस्तों लोग खींचते हैं उनसे, ठीक है, उनका माल देखकर, जमाल को पढ़ेंगे माल, और उनका माल देखकर खींचते हैं दोस्तों लोग उनसे, ठीक है, तो मामा भांजे के पास क्या है, बहुत सोना है दोस्तों, और उनका सोना देखते दोस्तों, उनका माल देख के लोग उनसे खींचते हैं, इस ट्रिक के साथ कवर करेंगे, रिपीट करूंगा एक बार, मामा बांधे के बाद बहुत सारा सोना है दोस्तों, उनसे खींचते हैं लोग उनका माल देख के, ठीक है, मेरे को लगता नहीं कि आपको 1% भी दिक्कत आएगी, हम अभी थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट लेंगे दोस्तों, उसमें आपका स्कोर पता चल जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों हमारा, अगला है दोस्तों मेवात, और मेवात के अंदर एक ही है शेख मूसा की मजार दोस्तों, ठीक है, शेख मूसा, और मूसा मतलब चूहे, और चूहे क्या कहते हैं, मेवा खाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपके अगर मेवा घर में नहीं है तो चूहे नहीं आएंगे दोस्तों, मूसे नहीं आएंगे, चूहे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको चाहिए मेवा दोस्तों, और मेवा आप रखो और मूसे आएंगे भाग के। तो शेख मूसा की मजार दोस्तों कहां है, मेवात के अंदर, एक ही है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ ली जाती है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला दोस्तों है हमारा ट्रिक दोस्तों, लिख जरूर लें साथ के साथ ताकि आपको याद रहे। अगला है हमारा बारह हजारी मस्जिद दोस्तों, बारह हजारी मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर, याद कैसे करेंगे दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर एक ही है प्रसिद्ध है, तो बारह हजार की रेवाड़ी लेके आएंगे दोस्तों, जब ये एक त्यौहार आता है दोस्तों जिसमें हम रेवड़ी और मूंगफली खाते हैं, वो त्यौहार कॉमेंट में बताएं दोस्तों, मैं भूल गया, तो बारह हजारी मस्जिद दोस्तों कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर, और बारह हजार की रेवड़ी लेके आएंगे दोस्तों हम, मैं लेके आऊंगा, आप हमारा, आप हमारे यहाँ आना फतेहाबाद के अंदर, तो हम आपको रेवड़ी देंगे 12,000 रुपए के लेके आएंगे, तो इतने हम खुद तो खा नहीं पाएंगे, आपको भी खिलाएंगे और त्योहार भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो त्योहार का नाम भूल गया मैं, वो आप कमेंट में बताएं, बाराजारी मस्जिद रेवाड़ी। अगला दोस्तों पीर नो गंजा की दरगाह, पीर नो गंजा की दरगाह है अंबाड़ा के अंदर, याद कैसे करेंगे, अंबाड़ा से आम, और आम खाने से दोस्तों आम गर्म ज्यादा होते हैं, और आम खाने से गंजे हो सकते हैं बंदे, ठीक है, तो गंजा हो सकता है दोस्तों बंदा, ठीक है, नो गंजा, नो आदमी गंजे हो गए थे आम खाने से, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि आम नहीं खाना, आप आम खाने से क्या हो जाता है, बंदा गंजा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ कवर करेंगे, पीर नो गंजा की दरगाह जो है वो कहां है, अंबाड़ा के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ ली जाती है हर एक एग्जाम में। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम, अगला है हमारा शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र हमारा धर्मस्थल दोस्तों, सारे के सारे देवता वहीं हैं, जो हम घर पे चिल्लाते हैं ना, जो चिल्लाते चिल्लाते कौन है, जिनमें भूत वगैरह बढ़ जाते हैं दोस्तों, वो चिल्लाते हैं, भूत उनके अंदर होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, और चिल्लाते हैं तो दोस्तों उनको देवताओं के पास लेके जाना पड़ता है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ के पास लेके जाना पड़ता है, तीर्थ में नहला के लाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो तीर्थ हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर है, देवताओं के पास लेके जाना है, तो चिल्लाना नहीं दोस्तों कभी भी, कोई कुरुक्षेत्र
के अंदर गलत फहमी में ले जाए दोस्तों, चिल्लाना नहीं चाहिए हमें। अगला है हमारा अलीवर्दी खां की मस्जिद। दोस्तों अलीवर्दी खां की मस्जिद याद कैसे करेंगे कि जब अलीवर्दी खां की मस्जिद पर जाएंगे दोस्तों तो वहां गुड़ चढ़ाएंगे। दोस्तों वहां गुड़ चढ़ाया जाता है, हम ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों कि अलीवर्दी खां की मस्जिद पर जाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, वहां गुड़ चढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। और गुड़ चढ़ा के जो है वहां जो दाह सिस्टम करेंगे, तो अलीवर्दी खां की मस्जिद पर जाएंगे तो दोस्तों साथ में क्या लेके जाएंगे, गुड़ लेके जाएंगे। इस ट्रिक के साथ कवर करेंगे गुरुग्राम गुड़गांव अलीवर्दी खां की मस्जिद, प्रसिद्ध है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कांच की मस्जिद दोस्तों। और कांच दोस्तों कांच की तरह हम टूट जाते हैं दोस्तों, कब टूट जाते हैं पता ही आपको, जब जहर खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं दोस्तों, जहर खा लेते हैं। जहर कब खा लेते हैं, भिंडी खा लेते हैं जैसे दोस्तों, कांच की तरह टूट जाते हैं। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य भी कहां है झज्जर के अंदर, तो दोस्तों जहर ना खाएं, कांच की तरह टूट सकते हैं हम, ठीक है। कांच भिंडावास खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य भी कहां है झज्जर के अंदर, तो कांच की एक मस्जिद है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ ली जाती है। चलिए एक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट, अगर याद हो जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही सेल्फ टेस्ट और वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला जो था दोस्तों रंगी शाही मस्जिद और पीर मुबारक मस्जिद कहां थी, बात करें दोस्तों रंगी शाही और पीर मुबारक की, तो भवानी सिंह जब पैदा हुए थे तो बहुत रंगरेलियां जो मनाई गई थी उनको मुबारकबाद दी गई थी, बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ था दोस्तों, इस टाइप से हमने ट्रिक बनाई थी। अगला दोस्तों पांच पीरों की मजार और ये सब कहां थे बताओ दोस्तों, अब बात आपकी, तो इसकी दोस्तों हमने ट्रिक बनाई थी करनाल, और कर्ण के कितने थे, पांच पुत्र थे और पांचों ही मस्त थे और पांचों ही बहादुर थे, बक्सा रखते थे और बस्से में बोरी रखते थे। अगला दोस्तों कांच की मस्जिद, और कांच की मस्जिद दोस्तों कांच पता ही आपको क्या होता है, क्या होता है बताइए जरा, कांच होता है जहर, और जहर से दोस्तों क्या बनेगा झज्जर, और कांच की मस्जिद हमारी कहां थी दोस्तों झज्जर के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला है दोस्तों लेक शेख मूसा की मजार, और शेख मूसा दोस्तों, और मूसा दोस्तों क्या कहते हैं, मैसे मूसा, और मैसे क्या कहते हैं दोस्तों, मेवा खाते हैं दोस्तों, ठीक है, मूसे खाते हैं मेवा, और घर में बुलाओ इनको मेवा खिलाओ, ठीक है, तो मूसो मेवा से मेवा। अगला है दोस्तों 12,000 मस्जिद, और 12,000 की हम दोस्तों क्या लेके आए थे आपको याद हो तो, 12,000 की दोस्तों हम लेके आए थे रेवड़ी, और रेवड़ी से क्या बनेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, इस ट्रिक के साथ हम इसको कवर करेंगे। चलिए अगला है हमारा बू अली शाह कलंदर दोस्तों, ठीक है, ये सारी की सारी मस्जिद जो आपके सामने लिखी हुई है कहां थी दोस्तों, याद कीजिए थोड़ा, ये थी दोस्तों पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर हमारी एक जो हजरत थी, होली के दिन इब्राहिम लोदी पे पानी फेंकना था और नाम रोशन करके इनाम लेना था। अगला है दोस्तों पीर नो गंजा की दरगाह, पीर नो गंजा दोस्तों, नो गंजा, गंजा कब हो जाते हैं दोस्तों, हम जब क्या खाते हैं, खाने लगते हैं गर्म चीजें, और गर्म चीज क्या थी हमारी, आम, आम नहीं खाना चाहिए दोस्तों, आम खाने से हमारे बाल झड़ते हैं, वैसे बता रहा हूं खा लेना दोस्तों, ये तो ट्रिक बना रहे हैं। अगला दोस्तों रजिया बेगम का मकबरा, और रजिया ने राज कहां किया था आपको पता ही दोस्तों, रजिया बेगम, ठीक है, बहुत कमाल की औरत थी, सबका चेता चूक हो जाता था, सबका चेता गायब हो जाता था, कैथल रेवाड़ी, कैथल के अंदर रजिया बेगम का मकबरा। अगला दोस्तों दीनी मस्जिद लाल मस्जिद और काजी मस्जिद, बात करें दीनी मस्जिद लाल मस्जिद काली मस्जिद की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, ये हमारी कहां थी दोस्तों रोहतास, रोहतास दिन में ही लाल रहता था दोस्तों और सब राज्य रहते थे उससे। अगला है हमारा मीर साहिब की मजार, कुतुब मौलाना की, ताजरा की, जुनाद की और जमालुद्दीन की, इसका दोस्तों हमने ट्रिक बनाई थी इसार, और इसार मतलब मीरा का कोई सार नहीं था, ठीक है, एक बार मॉल में ताज लाने के भेज दिया था जुनाद और अहमद को दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा मामा बांजे की दरगाह दोस्तों, मामा बांजे की दरगाह, मामा बांजे के पास क्या था दोस्तों, सोना बहुत था, और उसका सोना देखते सब खिंचते थे, उनके पास माल बहुत था, तो इस ट्रिक के साथ इसको कवर किया था। क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को और दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले।